अस्सलाम वालेकुम यार, काफ़ी दोस्तों के मुझे कॉल आई कि वो पूछ रहे थे कि आप वहाँ पे कैसे गंदम काट रहे हो, कि हमें भी बताओ किस तरह काट रहे हो। तो आज यार एक मैंने कहा कि एक व्लॉग बनाया जाए और सबको दिखाया जाए कि किस तरह से काटी जा रही है। अभी सुबह सुबह हो चुकी है और अभी इस वक्त हवा चल रही है और बहुत ही यहाँ पे रात को ठंड होती है। ये देखें कि रात को रजाई लेके सोते हैं हम, तो यहाँ पे और रात को यहाँ पहले ना कुछ दिन लाइट नहीं थी, तो कुछ दिन पहले ही लाइट लगी है। और आपको जिस तरह से काटी जाती है आपको सब बताया जा रहा है, तो चलते हैं फिर साथ साथ नहीं। ये देखें हम यहाँ पे ठहरे हैं, भाई यहाँ पे बिलों वगैरह भी उन्होंने पैसे वगैरह रखी हुई है, उनके सबके पैसे यहीं पर रखी है। आप चले आए कि हम गंदम काटने, ये देखें आपके क्या हाथ में है और हम भाई आप गंदम काटने, ये देखें कि ये भगवान वगैरह रखो है इनका। आसपास सारे खेत ही खेत, और सुबह तो यहाँ का मजा बहुत अच्छा होता है क्योंकि सुबह सुबह फजर टाइम ही नमाज पढ़नी हो, उसके बाद चलो जी गंदम काटने के लिए चलते हैं। ये कुछ लोगों की काटी पड़ी है, ये हमने नहीं काटी, किसी और की काटी पड़ी है। ये जो सामने गंदम आ रही है ये भी हमने काटनी है, लेकिन आज इसको नहीं काटना, इसको बाद में काटेंगे क्योंकि पहले वहाँ पे काट रहे हैं और वो काट कर आएंगे और उसके बाद इसको काटेंगे। आज तो नया भाई पहना है वो भी काम वाला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और कमेंटमेंट में जरूर बता देना किस तरह की आपको पसंद आई या नहीं आई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। काटी नजर आ रही है ये हमने काटी है, ये जो हमने काटी थी कुछ दिन पहले काटी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे क्यों उन्होंने कॉल किया और इसलिए पूछा कि हमें भी बताओ। तो मैंने जब आया था ना यहाँ पे तो घर में एक बैठ के मैंने वीडियो बनाई थी और उसके ज़रिए उन्होंने देख कर उसके बाद कॉल किया हमें, वो वीडियो देख लें आप। अच्छी वेंदे पे हाँ कहना थे ते रंग संग मेरा वेख लो, कोई इफेक्ट नहीं लाया, ओरिजिनल कैमरे से देख इंजे ही वीडियो बना रहे हैं। उदू आ के मैं तुहानू अपना रंग विखाई सा तो विखाई सा कि उत्ते केड़ा केड़ा हशर होंदा है। ये लें जी, ये हम पहुंच गए वहां पे, ये इसको आज हमने काटना है। भाई यहां पे तो पहले कुछ दिन लाइट ही नहीं थी, मेरा मोबाइल चार्जिंग से बिल्कुल बंद हो चुका था, दो दिन ही हुए हैं लाइट के लगे हुए और कॉल वगैरह आई हैं। और वैसे भी व्हाट्सएप वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा था, तो उन लोगों ने कहा कि कहाँ गुम हो गए हो, कहाँ गए हो, इसलिए यार आज मैंने कहा आपको एक ब्लॉग ही दिखाया जाए। ये वाली गंदम है, ये काटनी है, कल ये काट गए थे हम और इसे बांध भी गए थे और आज यहाँ से शुरू कर दूँगा। हम बैठ गए हैं दादरी और इसे काटेंगे अभी, बाकी कोई और आता है तो फिर कैमरे लाइन से बनाएंगे और फिर आपको दिखाऊंगा किस तरह से काटना। अभी तो मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी सारे नाश्ता वगैरह बना रहे हैं और कुछ लोग अपने अपने काम में मशगूल थे, मैं अकेला ही आ चुका हूँ यहाँ पे। चलो काटते हैं, उसके
बाद वो आ जाएंगे फिर दिखाएंगे कि किस तरह से काट रहा हूँ मैं। जी अभी नाश्ता किया और अभी फिर काटने चले हैं, अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह से काट रहे हैं। ये देखेंगे कुछ देर पहले ये कुछ सुबह से हमने देखा यहाँ तक काट दिया। वो मेरे पापा जा रहे हैं बाबा जा रहे समझ रहे होंगे आप। एकदम अटेंदे पे हाँ अस हाँ साढ़े इतने गाने भी चलते पैन। ये अभी कद्दू वगैरह काट लिया और अब चले हैं भाई घर से बुलावा आगे के रोटी आगे खाओ। और भाई नहीं जाना थी वहाँ पे काट रहे थे भाई कल तो ऐसी बैठे भी खत्म हो गई थी और इस वक्त चले हैं भाई खाना खाने के लिए और खाना खा के वापसी आएंगे भाई। ये हैं बाबा जान जी आगे फिर बहनी पर जाएंगे वहाँ पर खाना वगैरह खा कर फिर वापसी फिर सो वगैरह भी बटने हैं भाई उसके बाद आके बजा देंगे फिर घर चले तो मान लेंगे फिर। पसीना वगैरह आया हुआ कैमरे में नज़र ही नहीं आ रहा कि है कि नहीं है पसीना। वैसे सूप वगैरह को क्या कहते हैं आपको जो मान लो होता है उसे सूप कहते हैं या कुछ और करते हैं बताइएगा कमेंट में आप सब। ऐसे सारा खुला इलाका है यहाँ पर बाबा जान जा रहे हैं जी वो उधर भाई कमान को स्प्रे वगैरह हो रहा है रहने गई सामने यहाँ पर खाना वगैरह खा सुनाते हैं इस वक्त भी ना होंगे रात हुआ जो कि सोलह प्लेट पर चलता है। बाकी बातें होती रहेंगी आपके साथ थोड़ी थोड़ी किस तरह से कोई भी मुझे नई चीज़ नज़र आएगी तो आपको मैं बताऊंगा। चलें जी ये रहा भाई टूअर यहाँ पे हाथ मुँह धोएंगे फिर आज मेरे ख्याल में बने हैं जी चावल। वो फिर खाएंगे उसके बाद अभी जी हाथ मुँह धो लिया और फिर चले हम चावल खाने थोड़ी सी चावल की भी आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं। बिरयानी आ चुकी है और ये भाई आ चुके हैं और फिर ये खाएंगे हम चार पाई के हाशर को आपने देखा होगा कि किस तरह की चार पाई है। रात को मैं सोता भी इसी पर हूँ आप सोच लें कि
इतनी मुश्किल होती है यहाँ पर। आप चले हैं जी वहाँ से उधर बांधने वगैरह और सूख बटने में वीडियो बनाने के चक्कर में काम इस वक्त जी नहा कर आ चुका हूँ मैं भाई, वहाँ से कैमरा मैन को भेज दिया था मैंने, फिर नहा शहा के फिर आया हूँ। सुनने में आया जी कि एक नाई आया बैठा है कि दाढ़ी वगैरह या बाल वगैरह बनाने तो बोले बनवाल, चलते हैं देखते हैं किस तरह का आया भाई। ये गांव में मौज है कि नाई खुद आता है यहाँ पे। हाँ भाई साढ़े नाई एक आया है भाई, इतना तो सुने नाई है बिका तो सही चक्का आया माम चेक करो भाई ताई खुले माहौल च चले कैंची नाल ले। अच्छा नहीं बैटरी खत्म हो जाए तुम हो जाती है। अच्छा आपको भी उर्दू आती है, हमने सोचा कि नहीं आती। ये देखो ये इन लोगों को जारी इंग्लिश कर देते हैं। ओ पठाना वाली बोल रही ना बोल मैं घर जा रहा हूँ वापसी, मम्मी को रुलाना है उसे वापस ले आना इधर, फिर वापसी होगी। तो मैं दरमियान में से जा रहा हूँ इधर, भाई कहते हैं कि दरिया को पार करना पड़ता है उसके बाद आगे जाना है, बाइक पे जा रहा हूँ। देखो किस तरह का सफ़र रहता है मेरा ये, बाकी दिखाऊंगा जो दरिया वगैरह पार करना है किस तरह का है, देखेंगे फिर। दरमियान में रास्ते में एक दरबार आया जग रोशन मेरे ख्याल में, उनका
आपको मैं रोड का हाल बताऊं तो भाई सारा कच्चा रास्ता है जो मैं सफर करके आ रहा हूं, सारा ही कच्चा रास्ता है। अब दरिया के नज़दीक पहुंच चुके हैं भाई। भाई रास्ता तो सारा कच्चा ही भाई, सफर करके आ गए हैं, बड़ा दरिया के कोल पहुंच चुके हैं। हम बैक कैमरे में मैं चेक करना की नज़ारा है इतों का। ओ भाई मोटरसाइकिल इकट्ठे हो रहे हैं, देख बेड़ी भाई पार जा रही है सफर करके। कैसे भी हम चल रहे हैं उन्होंने नाल ही जावे कि दूसरी शिफ्ट होएगी। पानी वाली जगह तो बहुत मुश्किल से पार की है, अब आगे जा रहा हूँ, कच्चा रास्ता है ये भी। चलते हैं भाई रास्ते पे क्या होता है क्या नहीं। आए भाई जान आज तो अंधेर गोल पिया ने चंगा काल वेखो बारे चमदे बहुत छोटी आए वेखो चंगा अंधेर पिया। कैमरे जितना महसूस नहीं हो रहा लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही अंधेर है चलो भाई आज। हो चुकी है भाई अंधेरा ही अंधेरा, बिजली बस बिजली है ही नहीं यहाँ पर। आज भी यहाँ पे स्क्रैचर आ चुकी है और दाने निकलने लगे हैं और दाने अभी डड्डे वगैरह वहाँ पर रखेंगे, फिर दाने निकलेंगे, फिर हम अपने अपने घर को जाएंगे। भाई पहले तो दो आ गई थी, पहले मसला काफ़ी बन गया था, अभी कुछ ठंडा मीठा हुआ और फिर अभी जाएंगे। हाँ ये देखें भाई ये क्रैशर अभी कर रहे हैं सेट कर रहे हैं भाई। ये भाई सेट हो रही है अभी वहाँ पर कल्ली वगैरह डाल रहे हैं कि ऊपर गड्ढे वगैरह